कुलदीप सर, एक बात बताइए, जो यूपीएससी प्रीलिम्स जिन बच्चों ने इस बार दिया है, आप जानते हैं, आपने पेपर देखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था यूपीएससी का, तो इस बार जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है और उनका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, उनके सामने मेरे हिसाब से तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो अगले साल की यूपीएससी की तैयारी करें, काफ़ी टाइम है अभी उनके पास। दूसरा उनके पास रास्ता ये है कि वो, रास्ता तो नहीं कहूँगा, लास्ट ऑप्शन ही कहूँगा, कि वो तैयारी ही छोड़ दें कि ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ। तीसरा उनके सामने इस बार जो थोड़ा रास्ता बना है वो ये है कि उन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर भरा हुआ है, लेकिन दिन बहुत कम रह गए हैं। आपके हिसाब से एक अच्छे बच्चे को जिसका सपना आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर बनना है, इन दिनों में क्या करना चाहिए? राइट सर, देखिए इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हर बार की तरह टफ था, जैसे हम कमेंट हमेशा सुनते हैं पेपर के बाद, तो इस बार भी सुनने को मिले। और जो आपने तीन ऑप्शन मुझे बताए, तीन रास्ते जो बच्चों के लिए बताए, उनमें से जो पहला रास्ता है कि भाई अगले साल के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो अभी से ही, बट उसमें मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। मुझे लगता है कि जब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हम एक रिलैक्स एटीट्यूड का प्रिपरेशन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप अपनी इंटेंसिटी प्रिपरेशन की हमेशा हाई रखोगे, तभी आप जाके एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट जो है हासिल कर पाओगे। तो अभी जैसे मैंने देखा, कुछ बच्चों से बात भी करी कि एग्जाम देने के अगले दिन तक उनके पास काफ़ी रोना धोना था कि सर बहुत पेपर टफ आया, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल एकदम नेचुरल हो गए, मतलब रिलैक्स कर रहे हैं दोबारा से कि सर अगले साल पेपर देंगे, अभी तो कैलेंडर भी नहीं आया। तो वहाँ पर इंटेंसिटी डाइल्यूट हो गई बच्चों की प्रिपरेशन की, उतनी सीरियसनेस जो एग्जाम से जस्ट बात थी वो खत्म हो गई। सेकंड की बिल्कुल हम छोड़ दें इस प्रिपरेशन को, तो अगेन वो सही ऑप्शन नहीं होता उन बच्चों के लिए, खासकर जिन्होंने अपना ड्रीम अल्टीमेट गोल ही यूपीएससी एग्जाम सोचा हुआ है। मतलब नो डाउट इस बार का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बट देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट, जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो बहुत जरूरी है कि हम ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी करें या ना करें। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो यूपीएससी जो है ईपीएफओ एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो सेम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और ईपीएफओ एग्जाम कहीं ना कहीं यूपीएससी से बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन स्टाइल, नेचर ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ मैच करता है। तो आपकी प्रिपरेशन जो आपने यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी करी है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, ठीक है। सेम प्रिपरेशन आपकी जो जीएस की आपने करी है फॉर इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, वो यहाँ पर ऐसे यूटिलाइज होगी और उसकी काफ़ी वेटेज है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो आप लोगों को ईपीएफओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगेगा। और दूसरी बात, अगर मैं इसको एक नेगेटिव इनडायरेक्ट साइड में भी देखूं, तो आपकी इंटेंसिटी काफी हाई रहेगी इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जो आपको अल्टीमेटली अगले साल यूपीएससी में भी हेल्प कर सकती है। जी सर, सर मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि जीएस वाले कंपोनेंट जो है वो ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन नॉन जीएस कंपोनेंट्स का क्या? ऐसा तो नहीं है कि जो ईपीएफओ का एग्जाम है वो सिर्फ जीएस कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही आ रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, अकाउंटिंग है, और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर है, रीजनिंग एबिलिटी भी है, ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन कंपोनेंट्स की तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी तो नहीं होगी कि दो दिन में कर लो, तीन दिन में कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहीं एक प्लान बी के चक्कर में हम प्लान ए को भी गवा बैठे हैं और एक महीना और वेस्ट कर लें, ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं आपके ना दोनों इन सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दो सवाल हैं, पहला कि प्लान बी होना जरूरी है और दूसरा सवाल कि नॉन जीएस कंपोनेंट को कैसे टारगेट करना है। तो मैं पहले सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। दोस्तों कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना हमें सक्सेस रेट बहुत कम देखने को मिलता है, तो हर पर्टिकुलर एग्जाम के बाद, हर पर्टिकुलर साइकिल के बाद हमारे ऊपर सोशल प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करा था, मुझे लगता था कि प्लान बी हमारे प्लान ए को डाइल्यूट कर देगा, लेकिन अगर आपका प्लान बी सिनर्जी में है विद द प्लान ए, मतलब 80% से ज्यादा सिलेबस अगर ओवरलैप करता है, सेम प्रिपरेशन से अगर आपके दो टारगेट मीट होते हैं, तो ऐसा प्लान बी अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी एक बात है, और वो प्लान बी आपको हेल्प कर सकता है आपका प्रेशर रिड्यूस करने में। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं ईपीएफओ की बात करूं, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर भी लेते हो, तो भी आपके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है अपना ड्रीम परस्यू करने की, जो कि इस एग्जाम को क्लियर किए बिना आप रखोगे। तो ईपीएफओ में सिलेक्ट होने के बाद भी काफी बच्चों ने यूपीएससी एग्जाम फोड़ा है, मैं फोड़ा वर्ड यूज करूँगा, क्योंकि जॉब के साथ एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है आफ्टर वर्किंग इन द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो प्लान बी अगर आपका प्लान ए के सिलेबस से मैच करता है, ओवरलैपिंग है काफी सिलेबस, सिनर्जी है दोनों एग्जाम्स के बीच में, तो आपको पक्का प्लान बी रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक रिलैक्स एटीट्यूड प्रोवाइड करता है और आपकी गवर्नमेंट सिस्टम में एंट्री करवा देता है, एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि आप लोगों को नॉन जीएस कंपोनेंट जो है अगेन प्रिपेयर करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर मैं ईपीएफओ एग्जाम के ओवरऑल सिलेबस की बात करूं, तो हमें तीन एरियाज प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। पहला एरिया है जीएस कंपोनेंट, जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, जिसकी वेटेज अराउंड 40 से लेके 45 क्वेश्चन है। सेकंड एरिया है क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। दोस्तों अगेन यहां पर जो क्वांट और रीजनिंग है, वो आपने कहीं ना कहीं सीसेट की प्रिपरेशन में प्रिपेयर किया है, क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ईपीएफओ में देखने को मिलेंगे, अगेन वो आपके मैच करेंगे विद सीसेट,
बट एक ही कैविट है यहाँ पर कि अब आपके पास एक मिनट होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो एरिया है वो है नॉन जीएस कंपोनेंट अगेन बट स्पेशल कंपोनेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ में पूछे जाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड दोस्तों यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपने यहाँ पर भी 30% सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। सोशल सिक्योरिटी में आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रिपेयर कर रखी हैं। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि भाई अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ा है, तो आप लोग सब एकदम गर्दन ऐसे सही हिला दोगे। तो सेम अगेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपका प्रिपेयर्ड है। आयर एंड लेबर लॉ में जो आयर वाला पोर्शन है वहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर 5 क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा तो 2 क्वेश्चन अगेन आपके पॉलिटी और हिस्ट्री के सिलेबस से मैच करेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी पकड़ है अभी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बोलता है कि भाई वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो आप सबके मन में आंसर है एकदम क्लियर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको इन सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे जो अगेन आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन से सॉल्व हो रहे हैं, प्लस आपको अगले कुछ दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है और इतना टाइम है अभी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टली प्लान करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कंपोनेंट्स के, जीएस कंपोनेंट का, स्पेशल कंपोनेंट्स के, वो आप प्रिपेयर कर लो तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बट थोड़ा सा अपने ऊपर जो है ट्रस्ट रखिए और एक बात मान के चलिए कि भाई जो टाइम है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा भी पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लेंगे ऑप्टिमिस्टिक वे में, तो वी कैन श्योरली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सर सही है बात आपकी, पर मैं अभी कन्विंस नहीं हूँ कि आपने लॉजिकल आर्गुमेंट तो बहुत सही दिया कि लॉजिकली जो यूपीएससी वाला बच्चा है वो स्पेशल कंपोनेंट ईपीएफओ वाले के लिए भी कुछ हद तक रेडी है, लेकिन डर फिर भी है। एक बच्चे के मन में डर हमेशा होगा। अब एक पेपर नहीं हुआ जिसके लिए उसने एक साल कमर तोड़ मेहनत की थी, कुछ ही दिन अगले पेपर को बचे हैं, तो मन में डर हमेशा रहेगा। तो लॉजिक एक तरफ है लेकिन जो मन में डर है वो दूसरी तरफ है, तो जो डर है उसको कैसे काबू करूं मैं? मतलब अगर मैं एस्पिरेंट हूं तो अगले 20-22 दिन जो बचे हैं उनमें मैं इस डर को काबू कैसे करूं? सर मेरा ना ये मानना है पर्सनली कि अगर कोई बच्चा डर रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले तो वो सही ट्रैक पर है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर कोई बच्चा नहीं डर रहा है तो शायद मुझे वो नेगेटिव साइन लगता है कि भाई शायद ये सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो यू आर सीरियस, आप सच में सोच रहे हो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, दैट इज अ वेरी गुड साइन। बट बात है कि उस डर को चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है। अगर आप चैनलाइज ढंग से कर लोगे उस डर को तभी आप एक अच्छा रिजल्ट देख पाओगे। देखिए आप लोगों को पक्का डर लग रहा होगा स्पेशल कंपोनेंट से, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बट अगेन मैं आपको बताता हूँ कि उन कंपोनेंट्स में आपको पीएचडी नहीं करनी है, और आपको अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन उन कंपोनेंट्स की, जैसे अकाउंटेंसी, मुझे पक्का पता है कि यहाँ पर जो 90% बच्चे हैं उनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है और अकाउंटेंसी उनको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। बट ट्रस्ट मी अकाउंटेंसी में अगर आप 9 चैप्टर, जैसे हमारे कोर्स में हमने 18 चैप्टर दिए हैं, अगर आप 9 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो 80% क्वेश्चन उन्हीं 9 चैप्टर से आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा अकाउंटेंसी में। एंड देखो अकाउंटेंसी आपकी एक बेसिक जो है नॉलेज मांगती है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर एक बार भी आपने उसको समझ लिया तो क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होती है। अगर मैं आयर एंड लेबर लॉ की बात करूँ तो अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। टाइम देखे तो देखो आप ना अभी आपने टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया और आपका डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उन कंपोनेंट्स में तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत अच्छी आउटपुट निकलेगी। जैसे मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता था, मुझे लगता था कि यार बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो इकोनॉमिक्स मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब टाइम इन्वेस्ट किया, एक अच्छे टीचर से पढ़े तो एक अच्छी आउटपुट भी मिली। तो अगेन मेरा पर्सनल आपको मैसेज यही है कि पहले टाइम इन्वेस्ट करो एंड एक राइट सोर्स फॉलो करो। अगर आप टाइम सही से इन्वेस्ट करोगे, राइट सोर्स फॉलो करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपकी आउटपुट डेफिनेटली अच्छी आएगी। जी सर। सर जैसे आज 6 जून है और पेपर 2 जुलाई को है, तो दिन बहुत ही कम बचा, महीना भी नहीं है, तो आपके हिसाब से एक आइडियल प्लान यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जिसने इस बार का प्रीलिम्स अच्छे से तैयारी करके दिया था, वो नहीं जिसने तैयारी अभी शुरुआत ही करी थी, जिसने तैयारी अच्छे से करके दिया था और ईपीएफओ का फॉर्म भरा हुआ है, उसके जो रिमेनिंग डेज हैं इनमें एक आइडियल स्टडी प्लान आपके हिसाब से, प्रैक्टिकल एंड आइडियल स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए? सर इस प्लान को बताने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जानना। देखिए यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए आपने एक लाइन तो पक्का सुनी होगी कि यू शुड बी मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब हर कंपोनेंट की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इसी से हमारा एक सेकंड मैसेज आएगा कि आपका सिंपल क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं होना, किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं होना, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अब जो स्टडी प्लान है वो मैं आपको इस तरीके का बताऊंगा कि जो कि आपको हर एक कंपोनेंट को एक साथ लेके चलेगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लान है वो 9 घंटे का है पर डे, ठीक है, 9 घंटे ज़्यादा नहीं है दोस्तों इस टाइम पर। इस एग्जाम को अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हो तो इतना टाइम तो डिवोट करना ही पड़ेगा। और इनको मैं 3 शिफ्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक आफ्टरनून शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। आप अपने हिसाब से कंपोनेंट्स जो मैं बताने वाला हूँ उनको इन शिफ्ट्स के अंदर डाल सकते हो, जिस भी ऑर्डर में आपको सही लगे।
जो पहली शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट भी कह लो या फिर इवनिंग शिफ्ट भी कह लो या फिर आफ्टरनून भी कह लो, जो आपकी पहली शिफ्ट है वहां पर आपने एक घंटा डेली क्वांट जो है प्रैक्टिस करना है। देखिए क्वांट की प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा फिर क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से 10 मिनट में आपको लग रहा है कि बस मजा आ गया, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वैसी प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने 15 मिनट कंसेप्ट देखना है, फॉर्मूला पढ़ना है अच्छे से, उसको याद करना है, उसके बाद 15 क्वेश्चन एक पेज पे लिख लीजिए और 15 मिनट का टाइम घड़ी पे सेट कर लीजिए। वो 15 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, भले ही आपसे 3 क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन दोस्तों यही टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि भाई आपने क्यों एक लेंथी प्रोसेस फॉलो किया, कोई ट्रिक तो नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज आपको आपकी लर्निंग बढ़ाएगी और इसी प्रैक्टिस से आपको अल्टीमेटली एग्जाम में भी फायदा मिलेगा। दूसरा जो घंटा है पहली शिफ्ट का, वो आपको इंग्लिश को डिवोट करना है। दोस्तों अगेन इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर बोथ एपीएससी एंड ईओ एग्जामिनेशन है। दोस्तों अगेन इंग्लिश तो वोकैब और ग्रामर बहुत जरूरी है यहाँ पर प्रिपेयर करनी, तो अगेन प्रैक्टिस आपको जो है परफेक्ट बनाएगी। डेली एक घंटा इंग्लिश एंड जो नेक्स्ट एक घंटा है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो आपने करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं वो आपने कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं, थोड़े डीप में करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एपीएससी और ईओ की वो कहीं ना कहीं थोड़ी फैक्चुअल करंट अफेयर भी है। आपसे अवार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे डेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इन पर्टिकुलर ओवर को इस थर्ड शिफ्ट के पहली शिफ्ट के थर्ड ओवर को आप करंट अफेयर फैक्चुअल वाले जो है उनको कवर करने के लिए डिवोट कीजिए। अब जीएस कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, उनको वीक नहीं होने देना है। तो वो आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है 3 घंटे का वो आपके जीएस कंपोनेंट की रिविजन में जाएगा, बट ये रिविजन अगेन टाइम बाउंड रिविजन होगी। मतलब यहाँ पर आपने एक फिक्स डे अलॉट करने की, भाई पॉलिटी को 6 दिन दूंगा, पॉलिटी पूरी रिवाइज करूंगा, फिर अगले 6 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को दूंगा पूरी वो रिवाइज करूंगा, देन 4 दिन इकोनॉमिक्स को एंड 4 दिन जनरल साइंस को। इस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में आपकी जीएस रिवाइज हो जाएगी सेकंड स्लॉट में, और थर्ड स्लॉट जो है वो आपका डिवोट होगा स्पेशल कंपोनेंट्स को। दोस्तों अगेन अब 20 दिन के आसपास मान के चलिए कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 25 जून या 26 जून के बाद आप नया मत पढ़िएगा, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा। अब जो 20 दिन हमारे पास हैं, यहाँ पर 8 दिन आपको अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को देने पड़ेंगे, जरूरी है। और अगेन अगर कोई बच्चा थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहे तो ऑडिटिंग को छोड़ सकता है, ऑडिटिंग की वेटेज काफी कम है, बट अकाउंट आपको पक्का प्रिपेयर करना है। और 8 दिन में जो बेसिक मैंने आपको बताया कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे उसमें आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं 14, वो आपको आने चाहिए, ठीक है, लेजर एंड बैलेंस शीट आपको बनानी आनी चाहिए। तो वो टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं 8 दिन में आराम से क्लियर हो जाएंगे वो, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देन यू शुड पिक लेबर लॉस, और लेबर लॉस 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके आराम से 3 दिन में कवर हो सकते हैं। 2 दिन आपको IR की थ्योरी में लगेंगे और 3 घंटे अगर आप देंगे डेली, मतलब अगेन यहाँ पर पंचलाइन एकदम सही है कि सेम है कि 3 घंटे आपको इस थर्ड इवनिंग शिफ्ट में देने देने। उसके बाद आपने सोशल सिक्योरिटी एक्ट उठाने हैं, 5 एक्ट हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं और वो अगेन आपके 3 दिन में कवर होंगे। एंड लास्ट का जो टाइम रहेगा वो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाएगा। दोस्तों लो हैंगिंग फ्रूट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिल्कुल भी छोड़ने की मत सोचिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर आपका ये जो है बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन दोनों ही 9 घंटे का डेली अगर आप फॉलो करना चाहो, बट अगेन आपकी श्रद्धा है, अगर आप टाइम बढ़ाना चाहो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, आप और ज्यादा कवर कर पाओगे, बट ये मिनिमम 9 आवर्स तो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत अभी तक कर ली है तो ये 20 दिन आपकी मेहनत को पार लगाने के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, सर बस लास्ट क्वेश्चन हमारा, सच सच बताइए कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का क्या चांसेस एग्जाम के अंदर, क्या चांस है? अगर सर मैं यहाँ पर अगेन जो ओपिनियन दूंगा अपना, जो अपना मैं आंसर दूंगा वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो हमारे पास 2015 के भी बच्चे हैं, 2017 के भी बच्चे हैं, 2021 के भी बच्चे हैं जिन्होंने हमसे तैयारी करी थी, ठीक है, गाइडेंस ली थी। तो यहाँ पर यूपीएससी वाले बच्चों के काफ़ी अच्छे चांसेस एग्जाम में क्लियर होने के, मतलब काफ़ी अच्छे इन द सेंस कि जो 100% सिलेक्शन होती हैं उनमें ऑलमोस्ट 50% प्लस बच्चे हमें यूपीएससी बैकग्राउंड के देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इस एग्जाम में ना सिर्फ आपको यूपीएससी की जो पढ़े हुए कंपोनेंट्स हैं उनकी नॉलेज काम आएगी, बल्कि यूपीएससी का जो ओवरऑल स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का वो भी आपको हेल्प करेगा, जिससे बाकी बच्चे जो किसी और एग्जाम के बैकग्राउंड से जो है रिलेशन रखते हैं उनको शायद ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे चांस हैं इस एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि पास्ट ईयर डाटा, पास्ट ईयर रिजल्ट ये शो करता है। थैंक यू सर।